जदि आपणक बयस 18-44 वर्ष किंवा 45 वर्षर ऊर्ध होइथाय ताहाले टीकाकरण पई किपरि कोविन रे साक्षात समय सुनिश्चित करिवे। आपणक ब्राउजर रो एड्रेस बार रे selfregistration.covin.gov.in लेखंतु। निर्धारित स्थान रे आपणक मोबाइल फोन नंबर लेखंतु एवं गेट ओटीपी बटन उपरे क्लिक करंतु। सही समान मोबाइल फोन नंबर रे आपणक 6 अंक विशिष्ट ओटीपी पाइबे। वर्तमान कोविन पोर्टल आपणक ओटीपी वेरिफिकेशन स्क्रीन को नै जिवो। आपण ग्रहण करिथिबा 6 अंक विशिष्ट ओटीपी को लेखंतु एवं वेरीफाई बटन उपरे क्लिक करंतु। ओटीपी जांच होइगले आपण वेलकम स्क्रीन को आसीचिबे। थरे आपणक मोबाइल नंबर पंजीकृत होइगले जदि आवश्यक हुए तेबे आपण समान मोबाइल नंबर रे आउ 3 सदस्य को पंजीकृत करिपारिबे। आसंतु जानिबा किपरि आपण जणे हिताधिकारी भाबरे निजकु जोड़ी पारिबे एवं वेलकम स्क्रीन रु टीकाकरण साक्षात समय निर्धारण करिपारिबे। रजिस्टर्ड मेंबर बटन उपरे क्लिक करंतु। एहा आपणंकु रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन स्क्रीन को नै जिवो। एही स्क्रीन रे ड्रॉप डाउन मेन्यू रु विभिन्न प्रकार फोटो प्रमाणपत्र मध्यरु गोटी को बाछंतु जहाकु व्यवहार करी आपण पंजीकृत हेबा पई चाहुचंती। आपण निजर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड किंबा आपणंकर वोटर आईडी को व्यवहार करिपारिबे। ध्यान दियंतु टीकाकरण साक्षात समय रे आपणंक फोटो आईडी जांच हेबो। दयाकरी सुनिश्चित करंतु जे आपण सही फोटो आईडी रा सबिशेष तथ्य प्रदान करुचंती जहां आपण टीका केंद्र को सांगरे नै करि जिवे। थरे आपण ड्रॉप डाउन मेन्यू रु फोटो परिचय पत्र प्रकार चयन करिबा परे तळे थिबा स्थान रे संपृक्त आईडी नंबर लेखंतु। उदाहरण स्वरूप जदि पंजीकरण पई आपणंकर फोटो परिचय पत्र भावरे पैन कार्ड चयन करिछंती तेबे फॉर्म आपणंकर पैन कार्ड नंबर लेखिबाकु निर्देश देबो। एबे फोटो परिचय पत्र रे उल्लेख थिबा आपणंकर नाम, लिंग एवं जन्म वर्ष लेखंतु। जदि जन्म वर्षरु आपणंकु 18 वर्ष किंबा ताठारो अधिक बोली वैध हुए तेबे हिताधिकारी पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त करिबाकु रजिस्टर बटन उपरे क्लिक करंतु। सफलतार सहित पंजीकृत होइछंती बोली आपणंकर स्क्रीन रे सूचना उपलब्ध हेबो। एहा आपणंकु अकाउंट डिटेल्स डैशबोर्ड को नै जिवो जेउठारे आपण जणे हिताधिकारी भाबरे जोडी होइछंती। अधिक सदस्य जोडीबाकु आपण एही स्क्रीन रे ऐड मेंबर बटन उपरे क्लिक करि परिबे एवं नूतन सदस्यक सविशेष विवरणी एवं फोटो परिचय व्यवहार करि समान प्रक्रियार अनुसरण करि परिबे। वर्तमान चालंतु एही टीकाकरण साक्षात को निर्धारण करिबा। आपणक विवरणी तळे प्रथम मात्रार साक्षात को निर्धारित करिबाकु आपण वर्तमान सक्षम हेबे। शेड्यूल बटन उपरे क्लिक करंतु एवं तापरे स्क्रीन तळे थिबा शेड्यूल नाउ पॉपअप उपरे क्लिक करंतु। आपण एकाधिक सदस्यक साक्षात मध्य निर्धारण करिपारिबे सेथिपाई पाखरे थिबा शेड्यूल बटन उपरे क्लिक करिबे एवं तापरे स्क्रीन तळे थिबा शेड्यूल नाउ पॉपअप उपरे क्लिक करिबे। ध्यान दियंतु समान मात्रा पई एकाधिक सदस्य जोडीबा बेले समस्तंकर टीका ओ टीकाकरणर साक्षात तारीख गोटिए हेबा जरूरी। शेड्यूल नाउ पॉपअप क्लिक करिबा परे आपण टीकाकरण पई साक्षात निर्धारण स्क्रीन रे पहुचिबे। एही स्क्रीन रे आपण निज अंचलर पिन कोड लेखंतु ओ विकल्प रूपे राज्य ओ परे जिल्ला उपरे क्लिक कले एहा आपणंकु निकटतम टीकाकरण केंद्र गुडीकर तालिका सहित 6टी विषय रे सूचना देथाय। यथा वयस 18 वर्षरु अधिक, 45 वर्षरु अधिक टीकार प्रकार ओ टीकार मूल्य। साक्षात पई आपण उपरोक्त 6टी सूचना मध्यरु आपणंक आवश्यक मुताबक सूचना उपरे क्लिक करंतु। जदि आपणंक वयस ओ टीकार प्रकार निर्दिष्ट टीकाकरण केन्द्र पई अंतर्भुक्त नाही तेबे सही केन्द्र रे आपणंक टीकाकरण स्थिरीकृत होइ परिबो नाही। थरे आपणंक पसंदर तारीख ओ टीका प्रकार इत्यादि चयन करिनेले एहा आपणंक टाइम स्लॉट स्क्रीन कु नै जिवो। जदि टीकाकरण केन्द्र रे स्लॉट उपलब्ध थिबो तेबे टाइम स्लॉट स्क्रीन रे आपणंक आवश्यक मुताबक टाइम स्लॉट चयन पई समय उपरे क्लिक करंतु। एहा आपणंक एंटर कैप्चा स्थान कु नै जिवो जहार बाम पार्श्वरे कैप्चा लेखा थिबो। कैप्चा को यथास्थान रे लेखि सारी कन्फर्म बटन को क्लिक करंतु। एबे आपणंक टीकाकरण साक्षात समय सफलतार सहित स्थिर होइछि।
ଯଦି ସାକ୍ଷାତ ସ୍ଲିପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ଫେରିବାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଟିକାକରଣ ସାକ୍ଷାତକୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ପାଖରେ ଥିବା ରିସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତର ତାରିଖ ଓ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା ନେଇସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଦେଖାଯିବ। ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବରଣୀ ପାଖରେ ଥିବା ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଉଭୟ ମାତ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ।